हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे माय सेकंड ट्राइमेस्टर जर्नी, सम प्रिकॉशंस एंड डूज एंड डोंट इन सेकंड ट्राइमेस्टर। इससे पहले मैंने आपसे ना मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी भी शेयर की थी, अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, क्लिक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू ऑल नो, जो प्रेगनेंसी होती है वो तीन ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होती है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है आपका, वो फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट पीरियड से काउंट होता है अप टू 13 वीक्स। एंड जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो 14 वीक्स से लेके 27 वीक्स तक काउंट होता है। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ना, उसको गोल्डन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है या फिर हनीमून पीरियड भी, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जितने भी डिस्कम्फर्ट्स होते हैं ना, वो अब धीरे धीरे से फिनिश होने लगते हैं और आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो वापस आने लगते हैं, आपको अच्छा अच्छा फील होने लगता है, इसीलिए उसको हनीमून पीरियड कहा जाता है। सो क्या आपको पता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक जो हमारा बेबी होता है वो एकदम ह्यूमन मिनिएचर की तरह दिखने लगता है। उसके आर्म्स, हेड, स्पाइन, लेग्स सब कुछ डेवलप हो जाते हैं और वो एकदम मिनिएचर लगता है हमारा। 5 इंचेस के अराउंड ग्रोथ हो जाती है और 50 ग्राम्स के अराउंड होता है बेबी का वेट। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक जो बेबी का ग्रोथ होता है वो 12 to 14 inches हो जाती है और 1 kg के अराउंड वेट हो चुका होता है। इस टाइम तक ना बेबी के जो मेजर बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं, फंक्शन करने लगते हैं, जैसे कि हार्ट, बेबी के हैंड्स, आर्म्स, लेग्स एंड फिंगर्स और साथ में नेल्स भी। सो 18 वीक तक जो बेबी के कान होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं और वो साउंड्स को लेके सेंसिटिव हो जाते हैं। वीक 24 तक बेबी अब सारे साउंड्स पे रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। उन्हें भले ही सारी आवाज़ें अच्छे से क्लियरली सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वो टमी के अंदर बहुत सारी लेयर्स के अंदर होता है, साथ में आसपास उनके एमनेटिक फ्लूड भी होता है, बट ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी माँ की आवाज़ रिकोगनाइज कर पाता है। आप जो अपनी बेली में टच करते हो उससे बेबी को फील होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अपने बेबी से बात करते रहना चाहिए। एक बॉन्ड, एक कनेक्शन आपका बेबी के साथ कनेक्ट हो जाता है। बेबीज जो होते हैं ना, वो 8 to 9 weeks के अराउंड मूव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें फील नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। 16 weeks आते आते बेबी को देखना भी शुरू हो जाता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स ऐसा भी कहते हैं कि 5-6 months में ना बेबी को पता चलने लगता है कि अभी दिन हो रहा है कि रात हो रही है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो आपको बेबी मूवमेंट है वो 18 to 20 weeks के बीच में फील होने लगती है, लेकिन अगर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो आपको किक्स जो है वो जल्दी फील होने लगती है, क्योंकि अब तक आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जब मैंने फील किया था फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम मैं 19 वीक्स प्रेग्नेंट थी, जब मैंने पहली बार बेबी की जो किक्स हैं वो महसूस करना शुरू किया था। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उस टाइम पे जब आप पहली बार बेबी को फील कर पाते हो। सो अब बात करते हैं चेंजेस इन मदर इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स होती है, नौशिया, वॉमिटिंग, टेस्ट ना आना, स्मेल लगना, ये सारी चीज़ें ना अब तक सेटल डाउन होने लगती है और आपकी एपेटाइट अब अच्छी होने लगती है, फूड इनटेक अच्छा होने लगता है, आपको स्मेल आना थोड़ा सा कम हो जाता है चीज़ों से और आप अब वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। सो आपको जानकर के हैरानी होगी कि 80% ऑफ वुमेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना वेट जो है वो लॉस कर देती हैं और फोर्थ मंथ आते आते ना जो वेट होता है वो स्टेबल हो जाता है और फिफ्थ मंथ से आप फिर से अपना वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब फोर्थ मंथ मुझे स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब नौशिया वॉमिटिंग नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में सब सही हो जाता है। बट जैसे ही मेरा फोर्थ मंथ स्टार्ट हुआ मुझे और ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी थी। नौशिया कुछ हद तक कम हुआ था बट वॉमिटिंग मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जो मेरा वेट है वो लॉस ही होता गया, क्योंकि मैं कुछ भी खा रही थी वो वॉमिटिंग हो जा रही थी। मुझे वॉमिटिंग मुझे ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी वॉमिटिंग की, लेकिन कुछ टाइम तक मुझे मेडिसिन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मेरा जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो भी पूरा मेरा वॉमिटिंग में ही गया। तो वेट मेरा जो है वो गेन बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और ना ही सेकंड ट्राइमेस्टर। वेट स्टेबल हो गया था सेकंड ट्राइमेस्टर में आते आते, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने बहुत वेट लॉस किया था अपना। तो अब बात करते हैं बेबी बम्प की। तो कुछ लेडीज़ में जो बेबी बम्प होता है वो आफ्टर फोर्थ मंथ शो होने लगता है। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो थोड़ा जल्दी भी शो हो सकता है। और जो पतली लड़कियां होती है जिनका वेट थोड़ा सा कम होता है, उनको बेबी बम्प शो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो मैं अपनी बात करती हूँ, तो सेकंड ट्राइमेस्टर तक भी बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं आपके साथ कुछ फोटोज भी शेयर करूंगी। सो वेट गेन नहीं हो रहा था, बेबी बम्प नहीं आ रहा था, तो पूरा ट्राइमेस्टर मेरा ऐसे ही गया बेबी बम्प का वेट करते करते। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शो होगा, अब शो होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग होती है जब आपको बेबी बम्प शो होने लगता है। और मैंने ऐसा सुना था कि फोर्थ मंथ के बाद आपका बम्प जो है वो शो होने लगता है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सो जरूरी नहीं है कि जो आपका बेबी बम्प है वो
आफ्टर फोर्थ मंथ ही शो हो या फिफ्थ मंथ या सिक्स मंथ, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है और सबकी प्रेगनेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि अलग ही होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेबी बम्प दिखना जरूरी है, बस आपका जो बेबी की ग्रोथ है वो अच्छी होनी चाहिए, बेबी हेल्दी होना चाहिए और वो आपको आपके स्कैन से पता चलता रहता है। इस टाइम पे आपको अपनी ब्रेस्ट साइज में भी डिफरेंस फील होंगे, जैसे दे बिकम बिगर, डार्कर, मोर सेंसिटिव एंड वहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेच मार्क्स भी फील हो सकते हैं। सो इट्स हाई टाइम कि आप एक अच्छी ब्रा में इन्वेस्ट करें जो आपको फुल सपोर्ट दे और कवरेज दे। अब बात करते हैं स्किन चेंजेस की, जिसकी वजह से हर प्रेग्नेंट लेडी परेशान रहती है अपनी प्रेगनेंसी में। सो कुछ लेडीज में पिगमेंटेशन, एक्ने और ब्राउन स्पॉट्स नजर आते हैं स्किन पे, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे थोड़े बहुत एक्ने हुए थे जब मेडिसिन स्टार्ट हुई थी मेरी, लेकिन उसके बाद जो मेरी स्किन है वो बिल्कुल क्लियर हो गई थी। तो जरूरी नहीं है कि आपको भी वो सारे सिम्टम्स हों, तो किसी को होते हैं और किसी को नहीं होते हैं। और आप लोग एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके जो नेवल के नीचे एक वर्टिकल लाइन जा रही होगी वो थोड़ी सी डार्क होने लगती है, उसको कहते हैं लीनिया निग्रा, तो वो भी डार्क होने लगती है। ये सब प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा था, प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से। कुछ लेडीज़ में ये भी दिक्कत होती है कि डार्कर आर्मपिट्स हो जाते हैं, जो आपका इनर थाई एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। मुझे ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में फील नहीं हुआ था बिल्कुल भी, लेकिन जैसे मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होने वाला था तो मुझे फील होने लगा जो मेरे आर्मपिट्स हैं वो डार्क होने लगे हैं। बट ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो जैसी प्रेगनेंसी आपकी ओवर होगी ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगेगी, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो अब बैलेंस होने लगते हैं। तो प्रेगनेंसी के बाद ये जो डार्कर एरियाज हैं वो क्लीन होने लगेंगे धीरे धीरे, तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स कब होते हैं? जब आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेच होती है। और एक मिथ ये भी है कि जब आप खुजली करते हो आपके टमी में तो आपको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द नंबर ऑफ स्ट्रेच मार्क्स इज डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ बेबी एंड आपके स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। फिर चाहे आप कितने भी अच्छे ब्रांड की स्ट्रेच मार्क क्रीम्स लगा लो या कितनी भी कॉस्टली क्रीम लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग कोकोनट ऑयल और देसी घी का भी यूज करते हैं, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा इचिंग होती है उस टाइम पे आपके टमी में, बिकॉज स्किन जो है वो स्ट्रेच हो रही होती है तो आपको इचिंग होती है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे इचिंग वगैरह कुछ फील नहीं हुई और मैं स्ट्रेच मार्क क्रीम्स भी यूज कर रही थी। अराउंड 14 वीक से मैं लगा रही थी कंटिन्यू, बट मेरे को हुए हैं स्ट्रेच मार्क्स थोड़े बहुत। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने खुजली की थी या फिर कुछ और, बट मेरे को हुए हैं स्ट्रेच मार्क्स। सो लेडीज़, इससे भी कोई स्ट्रेस आपको नहीं लेना है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी है और आपने ही डिसाइड किया है एक बेबी को 9 मंथ्स तक कैरी करने के लिए अपने टमी में। और ये भी एक सिम्टम ही है जिससे आप ग्रोथ रोक रहोगे प्रेगनेंसी में। सो जस्ट लव योर बॉडी, और जितना जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे ना कि ये स्ट्रेच मार्क्स ही तो है, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके स्ट्रेस लेने से जो जिद्दी स्ट्रेच मार्क्स है ना वो कहीं जाने वाले नहीं है। बहुत सारी जो कंपनीज है वो ये क्लेम करती हैं कि जो हमारी क्रीम है या फिर हमारा ऑयल है इससे आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो एकदम गायब हो जाएंगे या फिर आएंगे ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियोस भी देखी हैं, वो लोग कहते हैं कि आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी स्किन में कितनी इलास्टिसिटी है इस पे डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होते हैं लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में हो जाते हैं, और किसी किसी को फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हो जाते हैं। तो मैंने तो स्ट्रेच मार्क क्रीम भी यूज़ करके देख ली है और ऑयल वगैरह भी यूज़ करके देख ली है, तो कुछ भी नहीं होता है। तो जिसको आने होते हैं वो आते ही हैं। और कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं ना वो जेनेटिक भी होते हैं, अगर आपकी मदर को है, आपकी सिस्टर को है, तो आपको भी होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से ही बॉडी रिएक्ट करती होगी, तो किसी को होते हैं और किसी को नहीं होते हैं, तो इसमें आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन नेजल स्टिफनेस या फिर नेजल ब्लीडिंग भी फील कर सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये सब होता है प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से। इस टाइम पे आप ले सकते हो नेजल जो सलाइन आती है वो यूज कर सकते हो, या फिर गर्गल्स कर सकते हो, स्टीम ले सकते हो। मुझे भी हल्की फुल्की नेजल ब्लीडिंग होती थी ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हल्की हल्की सी थी, बट ऐसा कुछ ज्यादा हुई नहीं थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ ज्यादा गर्म चीजें जब मैं ले लेती थी उस टाइम पे मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, तो फिर मैंने वो चीजें लेना अवॉइड किया और फिर मेरी जो ब्लीडिंग है वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कुछ लोगों को अपने जो गम्स हैं वो लूज फील होने लगते हैं, कुछ को गम से ब्लीडिंग भी होती है। तो मेक श्योर कीजिएगा आप अपनी हर मील के बाद अपनी टीथ को अच्छे से क्लीन करते हो,
और एक ना एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे मैं एडवाइस करना चाहूंगी आपको, प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जो भी ब्रश यूज करते हो तो मेक श्योर कीजिएगा जो ब्रश आप यूज कर रहे हो वो सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश हो, ताकि आपके जो गम्स हैं उनमें ज्यादा हार्शनेस फील ना हो। तो मुझे भी 6 मंथ के बाद फील होने लगा था कि मेरे जो गम्स हैं वो थोड़े से लूज हो रहे हैं, तो मैंने फटाफट से अपना जो ब्रश है वो चेंज करवा लिया था। उसके बाद से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। अब बात करते हैं पेनफुल थिंग इन प्रेगनेंसी, जो कि है लेग क्रैम्स। सो टिपिकली ये रात में आते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप दिन भर एक्टिव रहें और जो आपका शू हो वो कंफर्टेबल शू आप लोग पहने। सोने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आप हॉट वाटर बाथ लें, जिसकी वजह से जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। फुट मसाज ले सकते हैं आप, और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए। सो मुझे भी 2-3 बार ये क्रैम्स आए हैं और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि बस अब जान निकल जाएगी, तो मैंने भी फिर लेग स्ट्रेच एक्सरसाइज करना शुरू किया और रात को सोने से पहले अपने लेग्स के बिटवीन पिलो मैंने रखा, जिसकी वजह से ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो काफी सही हो जाता है, और कंफर्टेबल शूज पहने दिन भर में और खुद को एक्टिव रखा। तो बस 2-3 बार ही मुझे ऐसे क्रैम्स हुए, और जब से मैंने ये सारी चीजें करना शुरू किया उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था। अब तो मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती वो क्रैम्स कैसे होते हैं। सो किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन से पूछिए और वो आपको बताएगी कि वो बैक एक से कितना ज्यादा परेशान है। तो बैक एक कब होता है? जब बेबी ग्रो करता है, यूट्रस ग्रो करता है। सो डोंट वरी, ये प्रेगनेंसी की वजह से ही सब कुछ चीजें होती है और प्रेगनेंसी के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट मेक श्योर कीजिए कि आप पूरे दिन भर एक्टिव रहें, कंफर्टेबल शूज पहने, हील्स तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए प्रेगनेंसी में। आप पेन रिलीफ ऑर्नामेंट्स यूज कर सकते हो। साथ ही में ये ध्यान रखिए कि जो आपको कैल्शियम की दवाई दी है डॉक्टर ने वो आप टाइम पे ले रहे हो, और रात को सोते वक्त ना आपको लेफ्ट करवट सोना है। साथ में आप पिलो लगा के सो सकते हो जो आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे। आजकल मार्केट में ना बहुत सारे फैंसी पिलोज अवेलेबल है, बट मैंने ऐसा कोई भी पिलो नहीं लिया अपनी प्रेगनेंसी में, मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगा, क्योंकि जो नॉर्मल पिलो होते हैं हमारे घर में वो भी वही काम करते हैं, तो मैंने कोई भी प्रेगनेंसी पिलो नहीं लिया था। सो कुछ वीमेन प्रेगनेंसी में वजाइनल डिस्चार्ज भी फील करती हैं। प्रेगनेंसी की वजह से जो वजाइनल ग्लैंड्स हैं काफी ज्यादा डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन्स, एंड विच इज वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर आपका जो डिस्चार्ज है वो रेडिश है, ग्रीनिश है इन कलर, या फिर उससे स्मेल आ रही है, तो आपको फटाफट से अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये रीजन हो सकते हैं इन्फेक्शन के। यूटीआईज आर ऑल्सो कॉमन इन प्रेगनेंसी। तो अगर आपको कोई बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है यूरिनेशन पास करने में, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए इस बारे में, और इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने डॉक्टर से नहीं बताएंगे तो फिर आप किससे बताओगे। तो आपको अगर डिस्चार्ज फील हो रहा है तो उस टाइम पे आप पैंटी लाइनर्स यूज कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे पैंटी लाइनर्स आते हैं जो कि आपके अंडरगार्मेंट्स को खराब होने से बचाएगा और आपको डिस्कम्फर्ट भी नहीं होने देगा। अब बात करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से चेकअप्स होते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं वो आपको 4 वीक्स के बाद बुलाते हैं, या फिर हर 15 डेज के बाद आपको बुलाएंगे आपके रूटीन चेकअप के लिए, और इसमें आपका बीपी, वेट और बेबी की जो हार्ट बीट है वो सब चीज़ें चेक होती है। 20 वीक्स में आपका एनोमली स्कैन होगा, जिसे लेवल 2 स्कैन भी कहा जाता है। एंड 24 से 26 वीक्स में आपका गेस्टेशनल डायबिटीज भी चेक होगी। साथ ही में आपको 2 टिटनेस के डोजेस भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगते हैं, जो कि 4 वीक्स के गैप में लगते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा आपको दोनों टिटनेस की डोजेस सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगी होनी चाहिए। और आपको आयरन कैल्शियम प्रोवाइड होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो ध्यान रखिएगा कि आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेते रहें। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर फन टाइम माना जाता है प्रेगनेंसी का, वेयर पीपल एक्चुअली स्टार्ट सेलिब्रेटिंग देयर प्रेगनेंसी। अनाउंसमेंट होने लगती है, लोग अच्छा अच्छा फील करने लगते हैं। बट मेरा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था वो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से भी ज़्यादा बुरा था, क्योंकि उसमें मैं 4th मंथ में मुझे एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैंने आपको पहले ब्लॉग में भी बताया था, जिसमें मैं एनोमली स्कैन के लिए जा रही थी, कि COPD है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसकी वजह से मतलब मुझे इन्फेक्शन हो जाता है जल्दी से। तो उस वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। मेरी काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ चली, मैंने इनहेलर यूज़ करना शुरू कर दिया सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही मैं अपनी बॉडी को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान रही। मेरे हाथ पांव बहुत ज़्यादा सूज गए थे, फेस में स्वेलिंग आ गई थी। ये सारे सिम्टम्स भी मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही हुए, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा गया था। जाते जाते भी मेरा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था उसमें भी ऐसी रहा, मुझे खांसी जुकाम होता रहा। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था वो मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सब लोग अपनी अनाउंसमेंट करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, मुझे ऐसा लगा था कि मैं करूँगी बट मैं फिर भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मैं गुजर रही थी उस टाइम पे। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे उस टाइम पे अनाउंसमेंट करनी चाहिए। तो ये था मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल एंड बी योरसेल्फ। बाय गाइज़।